अलवर में मोटर गैराज मंत्री हेमसिंह भराना और बीजेपी पार्षद राजेंद्र तिवारी के बीच करीब 1.5 साल पहले हुआ तनातनी का मामला एक बार फिर से गरमा गया है। मामले में पार्षद राजेंद्र तिवारी कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए पार्षद राजेश तिवारी ने बताया कि वो भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं। इसके बावजूद भी मंत्री भराना ने रंजिश रखते हुए जलदाय विभाग के JEN को मुकदमा दर्ज करवाया। गौरतलब है कि 1.5 साल पहले पार्षद ने जलदाय विभाग के JEN के खिलाफ पानी के लिए विरोध प्रदर्शन किया था, जो मंत्री हेमसिंह भराना को इतना नागवार गुजरा कि उसे फोन पर धमकाया गया और देख लेने की धमकी दी। राजनीतिक कारणों के चलते उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पार्षद होने के नाते पार्षद का फर्ज बनता है कि पब्लिक की समस्याओं को उठाए। उस मामले में जाति विशेष के JEN ने मंत्री हेमसिंह भड़ाना के दबाव में आकर के मेरे खिलाफ झूठा मामला राजकार्य बाधा का दर्ज कराया। 18 महीने तक पुलिस ने उस फाइल को इधर से उधर करती रही और अब पुलिस का दबाव मुझ पर था कि आप सरेंडर करें। आज मैंने न्यायालय पर सरेंडर किया है। मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा है। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते अगर जन भावनाओं के लिए और जनता की समस्याओं के लिए जेल जाना पड़ा तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार पर से भरोसा मेरा उठ गया है और पुलिस पर से भरोसा उठ गया है।